हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरो के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बन रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप का लीग स्टेज, जो कि अब अपने अंतिम मुकाम पर आ गया है। हर ग्रुप में एक एक टीम ने सुपर 8 में क्वालिफाई कर लिया है और अब बचे हुए 4 प्लेस के लिए कई टीमों में फाइट देखने को मिल रहा है, जो कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और अफ्रीका ने सुपर 8 में जगह बना ली है। वहीं कई टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं वर्ल्ड कप के 23वें मुकाबले के बारे में, जिसमें भारतीय टीम का सामना कनाडा से होगा। यह मैच 15 जून को फ्लोरिडा के लॉन्ड्री हिल में खेला जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको टॉस मैच सेशन का अपडेट चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहां पे मैच के दिन में मौसम में थोड़ी सी नमी रहेगी, बादल भी छाए रहेंगे और बारिश की भी संभावना, ह्यूमिडिटी 78% रहेगा और टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वही अगर बात करेंगे पिच एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ के पीछे T20 बैटर्स के लिए चुनौती पेश करती है। यहाँ के पीछे अपनी स्लो सतह और स्लो आउटफील्ड के लिए जानी जाती है। यह कंडीशन उन बॉलर्स को फायदा पहुँचाता है जिसके पास बहुत सारे वेरिएशन है, जैसे कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह। इसके अलावा शुरुआती सिम मोमेंट स्विंग बॉलर को मदद करेगी। अब बात करते हैं कि विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जो कि बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 56% जीतने का चांस है, तो वही बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 31% जीतने का चांस है। अब अगर बात करते हैं एवरेज स्कोर देखते हैं, यहाँ फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 165 है, तो वहीं पर सेकेंड इनिंग एवरेज स्कोर 129 है। तो दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी पहले टीम इंडिया का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, जहाँ पे टीम इंडिया के वर्ल्ड कप का जबरदस्त स्टार्ट किया, लगातार 3 मैच जीत कर सुपर 8 में क्वालिफाई कर गया। लास्ट गेम में टीम ने यूएसए को 17 विकेट से हरा दिया। अब यहाँ से टीम इस मैच में प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव भी कर सकती है, बेंच स्टैंड को टेस्ट कर सकती है। रोहित और विराट के साथ ओपनिंग कर रहे हैं, लेकिन अब तक दोनों फ्लॉप ही चल रहे हैं। यहाँ पे विराट कोहली 3 मैच में सिर्फ 5 रन ही बना पाए, इस मैच में उन्हें रन बनाना होगा। नंबर 3 पर जो कि ऋषभ पंत खेल रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में जो कि शिव कुमार यादव, शिवम दुबे, जो कि लास्ट गेम में मैच को जिताया, सूर्या ने 50 रन बनाए थे। फिनिशिंग में हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा खेल रहे हैं। बॉलिंग में सभी बॉलर्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंस करके अब तक 3 मैच में सभी बॉलर ने अच्छा मैन ऑफ द मैच भी जीता है, जिसमें से बुमराह ने 5 विकेट लिए, हार्दिक पांड्या ने 3 मैच में 7 विकेट लेकर लीडिंग विकेट टेकर भी है। वहीं पे मोहम्मद सिराज और न्यू बॉल से विकेट दिला रहे हैं। हर्षदीप ने लास्ट गेम में 4 विकेट लिए थे। अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा की स्पिन जोड़ी इस पिच पर तहलका मचा सकती है। वहीं शिवम दुबे जबकि बॉलिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंडिया का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, शिव कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत है, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल, अस्दीप सिंह। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि विराट कोहली है, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी कनाडा का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहां पे 7 दिन जफर की टीम ने यूएसए के खिलाफ पहला मैच गंवा दिया था, लेकिन अगले मैच में टीम ने आयरलैंड को हराकर स्टार्ट किया, लेकिन लास्ट गेम में टीम को पाकिस्तान से हार मिली। कनाडा के कप्तान इस मुकाबले अपने बैटर्स से मजबूत परफॉर्मेंस की उम्मीद करेंगे। इस मुकाबले में आरन जॉनसन और नवनीत धारीवाल टीम को अच्छी शुरुआत देनी होगी। यहाँ पे जॉनसन ने लास्ट गेम में 52 रन बनाए थे। नंबर 3 पर जो कि प्रगट सिंह खेल रहे हैं, इस मैच में मिडिल ऑर्डर में रोल इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे दिलप्रीत बाजवा, निकोलस क्रिप्टन, शेष मुआफ से अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। वहीं पे कप्तान सातविन जफर और दिलप्रीत बाजवा लो ऑर्डर में हिटिंग एबिलिटी का टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। वही अगर बॉलिंग में बात करेंगे, जो कि सातविन जफर को आगे बढ़कर लीड करना होगा। यहाँ पे डिलन हेलिगे जो कि लास्ट गेम में 2 विकेट लिए थे, वहीं पे जुनैद सिद्दीकी और जेनी गार्डन इस पिच पे इफेक्टिव हो सकते हैं। मिडिल ओवर में कलीम सना ब्रेकथ्रू दिला सकता है। अब बात करते हैं कनाडा का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि एरन जॉनसन है, नवनीत डाडीवाल है, निकोलस किर्तन है, प्रगट सिंह है, आर पठान है, श्रेयस मुआवका विकेट कीपर है, सातविन जफर जो कप्तान है, रविंद्र पाल सिंह है, दिलोन हेलिगर है, जर्नी गॉर्डन है, कलीम सना। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात करेंगे, जो कि एरन जॉनसन है। फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं प्रेडिक्शन एंड कंक्लूजन देखते हैं। दोनों टीम के स्क्वाड स्टैंड को देखते हुए इंडिया बहुत आगे चल रही है, लेकिन कनाडा हाल फिलहाल में जिस तरह का परफॉर्मेंस किया उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन टीम की ताकत देखते हुए हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच में यहाँ पे इंडिया हो सकता है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।